मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और सबसे पहले आप सभी एक बार मैं यहाँ का वेदर दिखाता हूँ। एक बार वेदर देखो, बिल्कुल बारिश का मौसम हो चुका है और वहाँ पे बादल है और कितना शानदार माहौल हो चुका है। और ये थी हमारी धर्मशाला और अभी हम जा रहे हैं श्री बालाजी के दर्शन करने के लिए। दर्शन हमने कल भी किए थे लेकिन आज मंगलवार है, आज और भी अच्छे से श्री बालाजी के दर्शन करेंगे और आप सभी को अच्छे से बालाजी के दर्शन करवाएंगे। ठीक है, अभी सभी के सभी नहा धो के पूरे तैयार से तैयार हो चुके। क्यों जीजा जी? बिल्कुल। और यहाँ पे जीजा जी क्यों नहीं की, सबसे पहले बोलो जय बालाजी की। जय बालाजी की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। श्री बालाजी के दर्शन करने के लिए दोस्तों 4 गेट है, गेट 1 से लेकर 4 तक गेट है और जो हम जिस गेट से जाने वाले वो है गेट नंबर 4 और अभी जाएंगे गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे और फिर आप सभी को दर्शन करवाएंगे श्री बालाजी के। हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो यार, हम ना मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते, बट जहाँ तक हम कैमरा लेके जा सकते हैं ना वहाँ तक कैमरा लेके जाएंगे और आप सभी को वहाँ जाके दर्शन करवाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो ये श्रद्धालु आ रहे हैं ना, ये सभी के सभी दर्शन करके आए हैं और वहाँ पे लाइन लगी हुई है। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रही ना, तो वो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर और फिर ऊपर जाके ऐसे जाएंगे और फिर जाके श्री बालाजी के जो मंदिर में जाके उनका नंबर आएगा, फिर वहाँ जाके भी दर्शन करेंगे। सो दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले अभी हम ले रहे प्रसाद और अभी हमारे प्रसाद की दुकान पर आप देखिए यहाँ पे पेड़े वगैरह, लड्डू वगैरह है और ये इसी चीज़ को क्या बोलते हैं भाई जी? चूरमा, चूरमा। अच्छा, ये चूरमा है बालाजी का और यहाँ पे ये नारियल है और यहाँ पे ये मखाने हैं और वहाँ पे खील है। अभी प्रसाद लेके और अभी हम लग रहे लाइन में और यहाँ से स्टार्ट होती है लाइन और यहाँ से लाइन में लग के अभी हम जाएंगे श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और कहाँ रह गई निकी? आगे 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 आ जा। अरे वीरे, जय बाबा की बोल दे वीरे। जय बाबा, जय कर दे, जय हो, जय हो, जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली की, जय हो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वो रखा प्रबंध, देखिए टेंट वगैरह लगा के, जब यहाँ पे धूप वगैरह नहीं होती तो श्रद्धालुओं को ज़्यादा धूप ना लगे, तो इसलिए यहाँ पे वो लगाए गए टेंट और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वो की गई है व्यवस्था। सो गाइस देखिए यहाँ पे कितनी सारी भी लगी हुई है ब्रिगेड्स वगैरह, बहुत बहुत सारी भी लगा रखी ब्रिगेड। तो बालाजी के धाम पे आके आपको कैसा लग रहा है? बस मन कर रहा है कि दर्शन कर लूँ। अच्छा, जय बाबा की बोल। जय जय बाबा की। हाँ, यहाँ से आए हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। सो दोस्तों देखिए वहाँ पे सामने लिखा हुआ है श्री बालाजी मंदिर प्रवेश द्वार सालासर धाम और ये अभी यहाँ पे लगी हुई लाइन और काफ़ी छिड़छाड़ है लाइन में। यहाँ पे एक चीज़ तो यार, यहाँ पे ना धक्का मुक्की नहीं हो रही, जो हम और मंदिरों में जो देखते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो वहाँ पे धक्का मुक्की, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं। बिल्कुल जितने भी श्रद्धालु ना सभी आराम से जा रहे हैं, सभी प्यार से जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ना पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे एसी वगैरह भी लगे, मतलब कि ये यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। श्रद्धालुओं को यहाँ पे ना किसी भी चीज़ कोई दिक्कत और कोई परेशानी वगैरह कुछ भी नहीं है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरा खास ध्यान रखा गया है बालाजी मंदिर के धाम में। ये झंडों पे लिखा है जय श्री राम बालाजी दरबार की जय। और देखो दोस्तों, बस थोड़ा ही बचा हुआ है, लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास में बचा हुआ है जहाँ पे श्री बालाजी का मंदिर है। और मेरे को डर ये लग रहा है कि यार कहीं आऊँ वहाँ पर, अगर कैमरा ना लेके जाने दिया ना तो फिर आपसे वो दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। बट कोई नहीं, जहाँ तक होगा ना मैं वहाँ तक कैमरा लेके जाऊँगा और आपसे भी को दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी उत्साहित हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बार बार में जय श्री राम, जय बजरंगबली, वीर बजरंगबली के यहाँ ऐसे यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा जोश है, उमंग है, उत्साह है, काफ़ी है। तो ये चीज़ें देख के ना वो कहते ना कि वो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। तो यही इस प्रकार से फीलिंग्स आ रही है, यही इस प्रकार से मन हो चुका है। तो ठीक है, अभी चलते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर। सो फाइनली दोस्तों अपने दर्शन हो चुके, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और अच्छा अच्छा नंबर आ गया। और दोस्तों जहाँ तक मैंने उस वीडियो शूटिंग की थी उस कैमरा गार्ड था, उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड वालों से पूछा कि भाई जी मैं तो वीडियो शूट कर सकता हूँ, ऐसे बोला नहीं भैया आप मेन मंदिर में आ चुके तो यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पर वीडियो बना सकते।
से एग्जिट हुई है, तो देन हम ये यहाँ से आए, तो देन मैंने सुन लिया क्योंकि आपसे भी लोगे, क्योंकि आपसे भी बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। ये आगे अपनी धर्मशाला, बिल्कुल हमने ना जहाँ पे मंदिर की एग्जिट होती है ना, बिल्कुल उसके साथ में यहाँ पे थी एक धर्मशाला, और जिसका नाम है सिरसा धर्मशाला, और हमने इसी के अंदर रूम ले रखा है। और अभी अपना लगेज वगैरह पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और भी हम अपने रूम से एग्जिट करके आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास जहाँ पे हमने पार्किंग में लगा रखी हो। और अभी यहाँ पे हमने इनको चाबी वगैरह दे दी है और आगे चल रहा अपना प्रिंस और अपनी सिस्टर, और ये मैं हूँ, और बिल्कुल सामने जाना हमारे को। और हमने गाड़ी पार्क रखी है पंडित पार्किंग में, जो कि बिल्कुल सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और अभी वहाँ चलते हैं और गाड़ी को उठाते चलते हैं। और ये था वो चौक जहाँ से हम राइट लेके जाते हैं श्री बालाजी के दरबार की तरफ, और ये आगे हमारी पंडित पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बालाजी के दरबार पर साफ सफाई कितना अच्छे तरीके से वो ध्यान रखा जा रहा है, आप देख सकते हो। चलने की तैयारी हो चुकी है, अभी हम गाड़ी में आके बैठ चुके हैं और अभी हम यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी हम आए हुए लक्ष्मण फोर्ट पर, और अभी आप सभी को मैं दिखाता हूँ लक्ष्मण फोर्ट कैसा दिखाई देता है। और देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लक्ष्मण फोर्ट। और अभी हम जहाँ से आए थे ना, एक बार ये आपको मैं वो और दिखाता हूँ। अभी हम आए थे वहाँ से, और वहाँ पे सामने हमारी गाड़ी पार्क है, और बिल्कुल ऐसे यहाँ से हम चढ़ाई करते हुए आए थे। और दोस्तों, एक बार आप यहाँ से ना इस शहर का व्यू देखिए, आप कितना शानदार व्यू यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ पे सामने है हमारी मस्जिद, और एक बार आप देखिए ये लक्ष्मणगढ़ शहर कितना अच्छा और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्या बात है ना दोस्तों। अभी हमने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया है, और तेल का प्राइस अभी आप सभी को मैं बताता हूँ। तेल का प्राइस है यार 1 लीटर का 110 रुपये लीटर, और जो हमारे जो रोहतक शहर में और जो दिल्ली में ना, वो लगभग 96 से 97 रुपये लीटर, और यहाँ पे पूरा 13 रुपये का फर्क है, 13 रुपये महंगा है। अभी है ना 12 बज चुके हैं, और अभी हमने गाड़ी रोकी अपनी एक रेस्टोरेंट के ऊपर, और उसका नाम है जनता होटल। और अभी हम होटल पे चलते हैं और कुछ खाना पीना खाते हैं, क्योंकि सुबह से यार हमने ना तो ब्रेकफास्ट किया और ना चाय वगैरह पी है, कंटिन्यू हम चल के आ रहे थे। तो कुछ ऐसा है जनता होटल, और अभी इसके अंदर चलते हैं और फिर खाना वगैरह खाते हैं। और पहले तो यार एक बार ना फ्रेश हो गया थे। यहाँ पे निक्की झूल रही है और वीरू को झुला रही है, वीरू सो गया भी भाई। झुलाऊँ ला ला ऊपर पैर कर ले, ला मैं झुला दूँ। अच्छा, और वहाँ पे वो झूल रहा है पृथ्वी। ओए पृथ्वी, ओए तूने अभी तक हाय नहीं बोली, हाय बोल, पहले हाय बोल, हाय बोल। ये बहुत गंदा बच्चा है, बहुत ज्यादा गंदा बच्चा है ये। हाय बोल दे, हाय। ये आलू के परांठे हो गए, और ये अपनी दाल फ्राई है, और ये दाल मखनी, और ये भाई के छोले भटूरे। क्या बात है निकी, खाना कैसा लगा? टेस्टी है, बढ़िया। छोला भटूरा खा के देख, खा के देख। तो ये गाइस, ये देखिए, ये तोड़ लिया है, अब इसको लगा के खाऊंगा। कैसा है? गोल खावा। और ये है अपनी मेसी रोटी, और ये थे पराठे। ठीक है गाइस, और कुछ इस प्रकार से अपना दोपहर का लंच। खाना पीना वगैरह खा के पूरे तेज से आ चुके बाहर, और बारिश भी आ गई यार, देखो देखो बारिश आ चुकी है। और ये उस केले का है, तो मैं भाई स्टिंग लेके आऊंगा इस, ये बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, इस पे लिखा हुआ साफ साफ इसमें। और ये इसमें क्या है? इसमें मैंने पैक करा लिया एक पराठा आलू नान वाला, और उसको खाएंगे। चलो बढ़िया फिर, ठीक है दोस्तों चलते हैं। और खाना काफी अच्छा था। तो दोस्तों, बातचीत करते करते हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी, और आपको मैं दिखाता हूं यहां पे रेवाड़ी की मार्केट। पहले
तो दोस्तों देखिए वहाँ पे, यहाँ पे लाल बेर और ये बहुत मशहूर बेर होते हैं, और वहाँ पे थी कचरी। आप देखिए जो सामने कचरी दिखाई दे रही है ना दोस्तों आपको, उस कचरी की चटनी बनती है बहुत बढ़िया। और दोस्तों अभी हमने लिए मूँगफली, देखिए ये रही हमारे पास ये मूँगफली, ये हमारी सीजन की पहली मूँगफली है और इसको अभी खाएंगे। और अभी निकी जो तूने ये खाई है मूँगफली वो कैसी है? ठीक है, अभी इतनी अच्छी नहीं आई लेकिन। अच्छा, ज़्यादा अच्छी नहीं आई अभी है? हाँ तो कोई नहीं, अभी इसका सीजन ही तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो ये स्टार्टिंग में आई है तो इसलिए अच्छी नहीं है, बट कोई नहीं, मूँगफली बहुत अच्छी है यार। कह रुपये किलो दीजिए जा? 110 रुपये किलो दी। 110 रुपये किलो दी, लेकिन सीजन आते आते ये 60-70 रुपये हो जाएंगे किलो। ना 60-70 रुपये किलो हो जाएंगे जी, आपकी दिल्ली में ना हो लेकिन तुम्हारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो शुरू हो जाएगी। 60 रुपये किलो मूँगफली हो जाएगी रोहतक में। आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ यार, यहाँ पे जो जगह के नाम है ना वे भी बहुत अजीब गरीब है। चलना है क्या आप? एक जगह का नाम बवाल और एक का नाम झाटूवास और पता नहीं एक दो चीज़ें हो रही है जिनका नाम अजीब और गरीब है। अभी चलते हैं और अभी भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, भाई का वहाँ पे हॉस्टल है। भाई मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, रोहतक आने का मन है। अच्छा। पर क्या करूँ मैं, 10-15 दिन के बाद आने वाला हूँ लंबी छुट्टी पे रोहतक। अच्छा, क्या इसीलिए मैं क्यों ली 2 दिन की छुट्टी। ये भाई अपना दीपावली पे आएगा वहाँ पे रोहतक, दिवाली के बाद फिर प्रैक्टिकल देने आऊंगा, 10-1 दिन की छुट्टी उसने लगेगी। अच्छा, उसके बाद पूरी 1 महीने की छुट्टी, उसके बाद क्या पता छोड़ी। तो देखिए यहाँ पे राउंड तैयार हो रहे हैं, अभी ना दशहरा आने वाला है तो यहाँ पे उसकी वो प्रिपरेशन देख सकते हो आप, यहाँ पे लगाया जाएगा राउंडों को। और फिर दोस्तों भी भाई का स्टॉपी जा चुका है और भी भाई को यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है भाई, आराम तो जाइए। ठीक है भाई, अपना बैग उठा ले फिर। मुझे रास्ते में उतार दिया इन्होंने, पैदल जाना पड़ रहा मुझे। हाँ। इसी गर्मी में क्या करूँ, मजबूरी। ठीक है ज़्यादा अभी वे नहीं दिया करते लेक्चर, बैग उठा अपना भी उठाना है, बैग उठा और चल दे। ठीक है फिर है भाई। ठीक है दोस्तों, अभी है ना हमने यहाँ पे अपने छोटे भाई को छोड़ दिया। ठीक है, जल्दी आइए वे, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, ओके, बाय सिसु, बाय। ठीक है भाई, निकल ओके भाई है, ओके भाई, ओके गाइस, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट टूर पे। बिल्कुल बहुत जल्द मिलेंगे आप उन्हें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ओए वीरू ले मामा ना, बाय कर दे एक बार वीरू, वीरू एक चुटकी भर दो गुंडे वाली। ओए इसी सिक्के देख बे, अब बाय कर दे भाई। वीरे बाइक बोल, ये तो बाइक कर रहा, चमत्कार हो गया गाइस ये तो। चल ठीक है फिर है, चल पहुंच। ओए सो गाइस, अभी हम आए हुए ओल्ड राव होटल पर और अभी यहाँ पे जो हमारे वाहन से है ना वे झूल रहे रेलगाड़ी में। अभी आप सबको दिखाते हैं उनकी रेलगाड़ी, देखिए ये आ गई उनकी रेलगाड़ी, क्या बात है। ओए हेलो बोल, कितना मजा ले रहे हैं ना ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइज ये ओल्ड राव होटल आप देखिए कितना शानदार है, और वो वाला बाईपास था जहाँ से हम आ रहे थे, और ये कितना बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा होटल है। वीरू ले मैं खोलता हूँ, रुक जा। और पृथ्वी खीसा लग गया, खीसा लग गया, ये उतरने का नाम बना लेता, ये आगे उतर के, क्या बात है। अभी रुका है, मैं हवाई जहाज में और झूलूंगा। अच्छा तो भाई एक बार आप ये खाट देखिए यार, चारपाई देखिए कितनी भारी चारपाई है, बहुत बहुत है अभी चारपाई देखिए, ओए होए बिल्कुल मोटी मोटी है पूरी, चार चारपाई ये चारों ऐसी मोटी की मोटी है पूरी। और कुछ ऐसे है ये होटल दोस्तों, ये आ गया अपना सैंडविच और भी चाय हो रहा नहीं, 3 कप अच्छी से चाय वगैरह पी के सैंडविच खा के और फिर अभी निकल रहे घर की ओर। कैसा निकी सैंडविच खाया है अभी? अच्छा ये क्या बढ़िया। सो फाइनली गाइस चाय वगैरह पी के और सैंडविच खा के अभी हम आ चुके और अभी जा रहे अपनी गाड़ी के पास में। हम पहुंच चुके हैं घर पे और खाना पीना वगैरह खा के
बिल्कुल पूरे तरह से फिट हो चुके हैं और अभी लेट चुके हैं। और यहाँ पे ये मेरा भांजा है, अभी ये अपना ट्रैक्टर चला रहा है, देखो सभी को मिलते हैं फिर कल सुबह एक और वीडियो किसके साथ में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।